हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज मैं आपको एक नई जगह लेके चल रहा हूँ और वो भी कार से मैं आपको लेके चल रहा हूँ। आपने सही पढ़ा, कार से लंदन। आज मैं आपको कार से लंदन लेके जा रहा हूँ। मेरी गाड़ी खड़ी है, मैं भी आपको गाड़ी दिखाऊंगा, उसकी स्थिति दिखाऊंगा और उसी से मैं आज आपको लंदन लेके जाऊंगा। तो आइए गाइस, मैं आपको मेरी गाड़ी दिखाता हूँ और फिर हम चलते हैं। सो गाइस, ये मेरी गाड़ी है, इसी से मैं लंदन लेके जाऊंगा, आप मेरे साथ चलेंगे और मैं आपको लंदन ही नहीं और भी कई सारी कंट्रीज में दिखाने वाला हूँ। तो गाइज, ये है टेलीफोन बूथ लंदन का, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा था कि लंदन जा रहे हैं और आप लोगों ने पहचान लिया होगा कि ये लंदन में ही है, लेकिन हम लोग लंदन में नहीं, हम लोग आए हैं ओमैक्स वर्ल्ड स्ट्रीट। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वर्ल्ड की सबसे बेहतरीन मार्केट, इंडिया की सबसे बेहतरीन मार्केट ओमैक्स वर्ल्ड स्ट्रीट, जो कि आपको देखेंगे यहाँ पे वर्ल्ड की कितनी सारी स्ट्रीट्स आज आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो गाइज, आप तैयार हो जाइए, आज ज़बरदस्त फन करने वाले हैं। आज हम लोग बहुत ज़बरदस्त चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला हूँ और यहाँ पे मैं कुछ एक पर्सनैलिटी से भी मिलवाऊंगा जो कि टीवी में एक्टिंग भी कर चुके हैं और लोकेशंस का भी काम करते हैं और यहाँ पे बहुत सारी शूटिंग होती रही हैं, वो शूटिंग की भी लोकेशंस हम आपको दिखाएंगे कहाँ पे क्या हुआ है। तो आइए गाइज, मैं आपको लेके चलता हूँ वर्ल्ड स्ट्रीट, ओमैक्स वर्ल्ड स्ट्रीट। तो गाइस आइए, अब मैं आपको ले चलता हूँ अंदर स्ट्रीट के अंदर। फैमिली बस है, आप भी बैठ सकते हैं इसके अंदर। आज 26 जनवरी है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं चारों तरफ झंडे और सब कुछ लगा हुआ है। आज माहौल बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही अच्छा माहौल बना हुआ है। आइए गाइस, तो गाइस जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये पूरा मार्केट है और ज़बरदस्त मार्केट है। यहाँ पे सारे ब्रांडेड शॉप्स अवेलेबल हैं, सभी कुछ मिल जाएगा। आइए अब मैं आपको लेके चलता हूँ पेरिस गली। तो गाइस आइए, मैं अब आपको लेके चलता हूँ एफिल टावर। ये एफिल टावर है, ज़बरदस्त मार्केट है और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि क्राउड कितना है, चारों तरफ क्राउड ही क्राउड है, बहुत लोग हैं जो दूर दूर से आ रखे हैं यहाँ पे घूमने के लिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बहुत ही शानदार जगह है। आप जरूर आए यहाँ घूमने के लिए, शॉपिंग करने के लिए। तो गाइज, आप यहाँ पे बच्चों को ला सकते हैं, बच्चों के खेलने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। आप यहाँ पे शॉपिंग कर सकते हैं, बहुत सारी शॉपिंग की जगह हैं यहाँ पे। आप बहुत अच्छा फ्रूट्स खा सकते हैं, बहुत अच्छी अच्छी फ्रूट्स की दुकानें हैं। सस्ता भी दिख रहा है मेरे को, क्योंकि अभी मैंने पीछे देखा 70% डिस्काउंट, तो डिस्काउंट रेट पे भी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। और मैं देखता हूँ कि जिस तरीके से ये मार्केट बन रहा है, आने वाले टाइम में इतना ज़बरदस्त मार्केट होगा कि हिंदुस्तान से ही नहीं, देश विदेश से भी लोग आएंगे, क्योंकि यहाँ पे सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं। जो भी आप ब्रांड लेना चाहें, हर ब्रांड की शॉप है यहाँ पे और बहुत ही कूल है। आप देख रहे हैं कि दिल्ली के कनॉट प्लेस में भी इतनी भीड़ नहीं होती जितनी भीड़ यहाँ पे है। तो गाइज, ये मिनी बस है यहाँ पे बच्चों को घुमाने के लिए, पूरी मार्केट घुमाने के लिए, क्योंकि बहुत बड़ी मार्केट नहीं है, लेकिन इतनी बड़ी मार्केट है कि बच्चे यहाँ पे आसानी से नहीं घूम सकते। कम से कम 2 से 3 घंटे का टाइम लगेगा यहाँ पे, अगर आप सिर्फ घूमना चाहते हैं। अगर कोई शॉपिंग करना चाहते हैं तो उसमें तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ना चारों तरफ इस तरह की बसेज भी हैं, छोटी छोटी बसेज हैं जिसमें बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं। और आइए गाइज, मैं अब आपको लेके चलता हूँ बच्चों का
बहुत ही अच्छा यहाँ पे खेलने का इंतजाम किया हुआ है इन लोगों ने। तो गाइस यहाँ पे आप देखेंगे कि खाने का बहुत ही शानदार इंतज़ाम है और ज़्यादातर यहाँ पे ओपन में रेस्टोरेंट्स हैं जो कि अपने आप में बहुत ही शानदार लग रहे हैं और एक माहौल बहुत ही शानदार है यहाँ पे। खाना बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं पूरी मार्केट में हर चीज़ का इंतजाम है यहाँ पे, बच्चों के खेलने के लिए, बड़ों के खेलने के लिए, बुज़ुर्गों के लिए। और मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे, वर्ल्ड स्ट्रीट फूड, कमाल की लोकेशन है, सब लोग आराम से एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। तो मैं बोलूँगा कि एक बार कम से कम एक बार तो आप जरूर आए यहाँ पे, आपको आके कूल लगेगा। सारे रेस्टोरेंट्स में कमाल का म्यूजिक है, लोग एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे, बच्चों के खेलने के लिए जगह बहुत है यहाँ पे। फूड स्ट्रीट है, मेरे को लगता है सारे फूडी यहीं पे हैं। और अब मुझे लग रहा है कि अब हम खाना देख के हमें भी भूख लगाई है, क्यों ना हम खाना खा लें। और रात को बहुत ही ज़बरदस्त हो जाती है मार्केट, आप देखेंगे कि बहुत ही लाइटिंग हो जाती है यहाँ पे। तो गाइस बहत्तर सिंह रेस्टोरेंट पे हमने खाना खाया, बहुत ही लजीज खाना था, बहुत ही शानदार खाना। और नमक मिर्च और मसाले लिमिटेड थे, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा नमक मिर्च मसाले हों, बहुत ही संतुलन में सदा हुआ खाना। और नेगी जी हैं हमारे जो इस रेस्टोरेंट के मैनेजर हैं, और इन्होंने हमें खाना सर्व किया, बहुत ही प्यार से सर्व किया, जबकि इतने प्यार से ना बहुत ही कम लोग सर्व करते हैं। अंदर से प्यार दिख रहा था कि हाँ यार वाकई ये प्यार से खिला रहे हैं, और हमने भरपेट खाना खाया, मज़ा आया हमको। तो आप नेगी जी कुछ कहना चाहेंगे? सर मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो कस्टमर आए आप उसको जो आपने बताया कि खाना बहुत बढ़िया है, उसके लिए हम और अच्छा वो कर रहे हैं आगे, उसके लिए और अच्छा मतलब खाना देने की कोशिश कर रहे हैं, कस्टमर को और अच्छा फीडबैक देना चाहते हैं, तो यही कहना चाहता हूँ। अभी कितना टाइम हुआ है आपको? अभी सर हमारा 6-7 ही दिन हुआ ओपन किया। अच्छा अभी ओपन किया रिसेंटली? ओके ओके, गुड गुड। नहीं नहीं बहुत अच्छा लजीज खाना है आपका, और बहुत शानदार तरीके से आप लोगों ने सेटल किया हुआ है। सामने ओनर खड़े हमारे। अच्छा अच्छा आप ऑनर हैं? अरे क्या बात है, ग्रेट, मैं तो सॉरी सोच रहा था। ये ऑनर हैं एक्चुअली। देखिए आप समझिए इस बात को बहुत ही गौर से, इन्होंने हमको सारा खाना सर्व किया जबकि मैं सोच रहा था वेटर है, सॉरी, लेकिन ये ऑनर है, ये मैनेजर है, जबकि इतना हम्बल, इतना प्यार एक ऑनर के अंदर नहीं होता। कई बार ईगोज हम देखते हैं कि ऑनर तो उठ के बाहर भी नहीं जाता है, लेकिन वाकई कमाल की पर्सनैलिटी है। धन्यवाद। सो गाइज आइए अब हम आपको बाहर की मार्केट दिखाते हैं, चलते हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे व्यूवर्स को? थैंक यू।